नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सा सेंसर जिसका नाम है फ्लेम डिटेक्टर सिस्टम। इसके थ्रू घर में जब भी आग लगेगी तो हमें ये बजर के थ्रू उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये बजर बजने लगता है जिससे हमें पता चलेगा कि आग लग चुका है। तो मैं आपको फटाफट इसका डेमो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो सेंसर लगा हुआ है, इसके सामने जब भी आग लगती है तो ये डिटेक्ट करता है और ये बजर ऑन कर देता है। तो सबसे पहले हमें स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन होते ही सेंसर में लगा रेड बल्ब ऑन हो जाता है, यानी सेंसर ऑन हो चुका है। अब हमें इसके सामने बस आग लगानी है और ये देखिए किस प्रकार से काम करने लगता है। देखिए जैसे ही यहाँ पर आग लगती है बजर बजने लगता है। इससे हमें आग लगने की सूचना सही समय पर मिल जाएगी। तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं और आग लगने की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे किचन में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने इसे पूरा बनाने का तरीका बताया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसे अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक फ्लेम डिटेक्टर सेंसर जो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको तीन पिन मिलेंगी। जो VCC लिखा हुआ है वो हमारा पॉजिटिव पिन है, ग्राउंड लिखा हुआ है वो नेगेटिव, और DO डिजिटल आउटपुट लिखा हुआ है वो हमारा आउटपुट पिन है जो नेगेटिव पावर देता है। यहाँ पर आपको इसका डिस्टेंस एडजस्ट करने के लिए एक कंट्रोलर मिलता है जो यह एडजस्ट करेगा कि कितना दूर पर यह फ्लेम को कैच करे। यहाँ पर आपको एक रेड बल्ब मिलेगा, एक ग्रीन बल्ब। रेड बल्ब जब इसमें पावर सप्लाई होती है तो ऑन होता है, और ग्रीन बल्ब जब इसका आउटपुट होता है तब यह ऑन हो जाता है। यानी जब हम इसके पास फ्लेम को दिखाएंगे तो यहाँ पर ग्रीन बल्ब ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट इसका कनेक्शन कर देता हूँ। सबसे पहले बैटरी की नेगेटिव वायर को सेंसर की ग्राउंड पिन के साथ ज्वाइंट कर देना है। इसकी पॉजिटिव वायर को एक स्विच के थ्रू बैटरी से ज्वाइंट कर देना है जिससे हम इसे ऑपरेट कर सकें। देखिए स्विच ऑन है और इसका कनेक्शन होते ही रेड बल्ब ऑन हो गया, यानी इसमें पावर सप्लाई हो रही है। अब हमारा डिजिटल आउटपुट वायर बच जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डिजिटल आउटपुट वायर है वो नेगेटिव पावर है, तो हमें बजर की नेगेटिव को इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। और अब हमारा जो पॉजिटिव वायर बच जाता है वो स्विच के बाद जो सेंसर में पॉजिटिव वायर ज्वाइंट है उसमें ज्वाइंट कर देना है। तो अब हमारा ये कनेक्शन पूरा हो चुका है। एक बार हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे ही आगे फ्लेम जलता है इसका डिजिटल आउटपुट बल्ब ऑन हो जाता है और यहाँ पर आउटपुट आने लगती है जिससे बजर बजने लगता है। इससे आप इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितनी दूरी पर काम करेगा। आप इसे अगर बढ़ा दे तो ये ऑटोमेटिक भी काम करने लगता है। अगर अंधेरा रहे तो वह उस टाइम नहीं बजेगा, क्योंकि अभी लाइट है। इसलिए जब मैं इसे बढ़ा रहा हूँ तो ये आउटपुट देने लग रहा है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके थ्रू आप जो आग लगती है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो मैंने ये जो मेटल बॉक्स लिया है अभी मैं इसमें इसे फटाफट फिट कर दूंगा जिससे मैं कहीं भी इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकूं। तो मैं इसमें इसे फिट कर देता हूं।
अब हमारा ये पूरा सिस्टम फिट होके तैयार हो गया है, तो अब ये टेस्टिंग के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब बस हमें इसे किसी भी वैसी जगह जहाँ पर आग लगने की संभावना है वहाँ पर रख देना है, स्विच को ऑन कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर आगे आग लगेगी, ये सेंसर डिटेक्ट करेगा और बजर बजने लगेगा। देखिए ये कितनी अच्छी से काम कर रहा है। तो आप इस तरह इसे बनाकर कहीं भी लगा सकते हैं, जिससे अगर घर में आग लगती है तो उससे बचा जा सकता है। यहाँ पर इसमें एक वॉल माउंट दिया हुआ है, जिससे आप इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मॉडल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसी लेटेस्ट वीडियोस का लुत्फ़ उठाते रहें। और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।